जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खाकी टेप है ना? खाकी टेप है, किसी जल रही है हमने? अरे खाकी टेप है, ये नहीं जल रही। और यहाँ पे ना हमारे जो मंदिर की लाइट लगी हुई थी ना, वो खराब हो गई है, तो उसको हटा के जो एक फोकस लाइट होती ना, अभी आपने देखी, वो लगा रहे हैं। और ये देखो मेरे ड्रॉर का क्या हाल हो रहा है, लीड वगैरह, शैम्पू वैम्पू सब इसी में पड़ा है। ऐसे फैल जाता है, कितना भी समेट लो फिर वैसे हो जाता है ये। तो अब इसमें सामान मेरा वैसे नहीं रखा रहता है, ऐसा सामान रखा रहता है इनका, हमारा भी। तो यहाँ पे ये वाली लाइट लगा दी है, वो लाइट ख़राब हो गई, फूक गई, पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक चीज़ ख़राब होती जा रही है। हमारी प्रेस ख़राब हो गई, लाइट ख़राब हो गई है, और इनका इनके एयरफोन थे वो ख़राब हो गए, और गीज़र भी कल बच गया ख़राब होते होते। मगर गीज़र जिस इग्नोर करिएगा, उन्नति ना वो खसका रही है। तो ना गीज़र में जिस बोर्ड में गीज़र लगता है ना, उस गीज़र में बड़ी तेज ना चिंगारी आग सी लग गई। वो तो मेरे को लगा एक बार को कि गीज़र ख़राब हो गया, मतलब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया था, लेकिन बच गया, भगवान माता रानी ने बचा लिया, कि फिर नहीं तो वो नुकसान अलग होता। तो इसलिए पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये फाइनली ऐसे लाइट लगा ली है, अभी अंधेरा था तो इसलिए, पर पहले वाली लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, आप बताना कमेंट करके, मुझे तो पहले वाली लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पर क्या करूँ ख़राब हो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ परेशानी आए जा रही है, कुछ ना कुछ ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे कल का है, मतलब कल सुबह मंडे का है ये वाला, वो परसों रात का क्लिप था जो लाइट वगैरह चेंज करी थी। और ये सुबह सुबह मैं ना यहाँ बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ, ये नहा लिया इन्होंने, तौलिया ऐसे फेंक दिया है, तो वो तौलिया सुखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब ठीक कर रही हूँ। और ये हाँ, ये मंगलवार का क्लिप है, और कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, और पीछे से आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करिएगा, उन्नति अभी लगी हुई है, उसे अगर मैं छेड़ूंगी तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, वीडियो भी एडिट नहीं करने देगी। तो यहाँ पे फटाफट से अपनी बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, बाकी फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, फिर अपना वही रोज का रूटीन है, पूजा वूजा करनी है। अभी मम्मी शायद नहाने गई हैं, हाँ मम्मी नहाने गई हैं शायद। और ये देखो उन्नति का, अभी नहाने नहीं गई मम्मी, हाँ अभी पता नहीं, मम्मी शायद पौधों में पानी डालने गई हैं। और ये देखो उन्नति का कुछ, ये कुछ, और ये देखो उसके हाथ पैर सारे टेढ़े कर दिए गुड्डे के, और इसको देखो पाउडर लगा रखा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, वो पाउडर लगा देती है, जैसे हम उसके लगाते हैं वैसे वो लगा देती है। और यहाँ पे रात को डायपर पहना था उन्नति ने, तो ये फेंकने जा रही हूँ, क्योंकि कूड़े वाला आ गया, तो कूड़े वाले भैया आ गए, तो मैं कूड़ा फेंकने जा रही हूँ। तो बस सुबह का यही रूटीन है। और अभी ये देखो एक ही कुत्ते आ जाते हैं हमारे ऊपर, चौथे फोर्थ फ्लोर पे भी आ जाते हैं। ये देखो एक डायपर पड़ा था ना, सुसु वाला था, मैं पॉटी वाले डायपर फेंकती नहीं हूँ उसमें, और ये बगल वाली आंटी भी कूड़ा फेंक रही हैं, तो ये डायपर कुत्तों ने फाड़ दिया, ये मैंने कूड़ा फेंक दिया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर, अब लगाऊँगी झाड़ू पोछा। ये देखो ये सैंडो और अंडा वे में घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं तो कहीं भी कैमरा चालू कर लेती है, कह रहे मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं कह रहे नहीं दिख रहे। तो मैं कहा इतना तो चलता है कि घर में लोग कैसे रहते हैं, और मैं कहा सुबह सुबह तो उनका नहाने धोने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए वो ऐसे घूम रहे थे। तो यहाँ पे मैं सारा समय जो अभी दिखाया था ना टेबल पर फैला रखा, तो वो सारी चीज़ें मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर मांगने लग जाएगी उन्नति, लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वही है ना सुबह सुबह ऐसे फैला हुआ अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैं सारा सामान और डस्टिंग भी कर दूँगी, तो बस फिर उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, नहीं झाड़ू के बाद डस्टिंग करूंगी। हाँ अभी तो सामान सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे इनकी रुद्राक्ष की माला है, और यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिए, उसके बाद ना यहाँ पे मैं किचन के आगे ना, किचन में मतलब धो रही हूँ, वहाँ पता नहीं क्या गिर गया, समझ में नहीं आ रहा, दूध गिरा था पता नहीं क्या, चिप 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 हो रहा है पैरों में, तो इसलिए सारा ना मतलब रसोई का एरिया पूरा धो दिया, कमरा नहीं धोया अंदर वाला, बस बाहर का धो दिया। तो यहाँ पे ये इनकी चप्पलें यहाँ पे रखी रहती हैं बाथरूम के लिए मतलब। तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि सिंक एरिया नीचे कितना काला हो रहा है, हम आए थे ना रहने जब भी ये ऐसे ही था, और अभी भी ऐसे ही है। इसको मैंने तेजाब से कई बार साफ़ करा, लेकिन फिर ये थोड़े दिन में ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि पानी इतना लीक करता है ना सिंक में से नीचे बहुत ज़्यादा, कुछ मत पानी भरा रहता है, और उस वजह से मच्छर भी बहुत हो जाते हैं।
और क्योंकि पता क्या हमने वो भी करा था मतलब वो कुछ चिपकाया भी था जो होता है ना चिपकाने वाला सिंक में ताकि पानी ना टपके, कुछ दिन तो सही रहा फिर से वही हाल। और इस वजह से पाइप देख रहे हो पाइप की कितनी कंडीशन बुरी हो रही है, तो पाइप भी एकदम बेकार गंदा हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता पाइप। एक मिनट, तो मम्मी आ गई थी तो मम्मी गेट खटखटा रही थी अभी, तो वही खोलने गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं ये सारा धो दिया, उसके बाद मैं यहाँ वाइपर से पानी खींच दूँगी। और ये पूरे घर में देख रहे हो सीलन सीलन हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब सीलन वाला कहते हैं घर अच्छा नहीं होता, लेकिन हमें तो इतना नहीं पता था, जब हम बाद में पता चला इस घर में सीलन रहती है, घर में नहीं पूरी बिल्डिंग में ही बहुत ज़्यादा सीलन है। और उन्नति भी अब से ज़्यादा मट्टी छुटा छुटा के खाती है, पूछो मत। और यहाँ पे ये इनका टिफ़िन पैक कर दिया मैंने, ये जा रहे हैं, मैं नहा धो के इनका खाना बना दिया, तो ये टिफ़िन पैक कर दिया। और मम्मी अभी अपने पूजा वगैरह कर रही है, फिर मैं भी करूँगी। अभी मम्मी अपनी चालीसा वगैरह है ना वो पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे इनका टिफ़िन मैंने बैग में रख दिया है। और यहाँ पे इनका चश्मा ये सब देख दिया है, तो बस सुबह सुबह का यही होता है। इनका मास्क, कोरोना सुनने में आया फिर से, कोरोना वापस आ गया इसलिए मास्क लगाते हैं। और ये अलमारी, इनकी आदत बहुत बेकार है, बार बार अलमारी खुली छोड़ देते हैं, बंद ही नहीं करते कुछ लेने के बाद। तो यहाँ मम्मी अपनी चालीसा वगैरह पढ़ रही है, यहाँ पे ये जा रहे हैं उन्नति के पैर छू के, जब चगरी होती है तो उसके पैर छू के ही जाते हैं। और यहाँ मेरी किचन कितनी फैली हुई थी, अब जाके साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये निकल गए हैं, उन्नति पीछे पड़ गई थी, पंखा चला ऑन कर छोड़ देते हैं, लाइट ऑफ़ कर दी मैंने पंखा भी। तो यहाँ पे मैं लाइट चेंज कर रही हूँ माता रानी की, ये मैंने पर्पल वाली रखी है जैसे पहले थी ऐसे कर रही हूँ, ये देखो। तो बस अब मैं अभी अब पूजा वगैरह करूँगी मम्मी के साथ। यहाँ पे ग्यारह जला लिए यहाँ पे मैंने, और मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, आवाज़ निकल ही नहीं रही, गले में ना दर्द भी हो रहा है मेरा खांस खांस के। तो यहाँ पे मैं और मम्मी कर रहे हैं पूजा, जो लौंग के झोड़े वगैरह चढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम नीचे बैठ के। और ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये लाइट पड़ी है तार वाली, ये पूरी फूक गई है जगह जगह से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काली हो रही है जगह जगह से, पूरी फूक गई है, हम ये निकल मतलब ख़राब हो गई पूरी की पूरी, एक साल भी नहीं चली ये लाइट हमारी, पता नहीं क्या हो रहा है। गणपति बप्पा के टाइम तो बहुत अच्छे से 11 दिन तक पूरी चलती रही है, दिवाली पे भी सही चली थी, लेकिन अब इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। और उन्नति बेड पे खड़ी हुई है मैडम जी, तो वो बस जय जय करती रहती है, और अभी रो रही है, उसका मुँह बना हुआ है, रोए जा रही है, अभी भी उसकी आवाज़ आ रही होगी पीछे से। तो यहाँ पे बस लौंग के जोड़े बतासे ये सब हम चढ़ा देंगे और अपनी पूजा कर लेंगे। और ये उन्नति रोए जा रही है, उसको कोई चीज ना दो तो बस रोने लगती है। तो बस यहाँ पे लौंग के जोड़े वोड़े चढ़ा के माता रानी से माफ़ी मांगेंगे, अगर कोई आपकी सेवा में गलती हुई तो माफ़ कर देना। वैसे हर मतलब परफेक्ट तो हम नहीं कर सकते कोई भी चीज़, लेकिन बस जैसी भी होती है हम कर लेते हैं। और आवाज़ आ रही होगी उन्नति की बहुत तेज, यहाँ पे मैं नमक रगड़ के माता रानी से माफ़ी मांग रही हूँ, अगर कोई आपकी सेवा में गलती भूल चुक हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना माता रानी। बस यहाँ पे बस हो गई है हमारी पूजा, अब हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ आरती वगैरह भी हो गई है मेरी हमारी। तो बस ये देखो मैंने दिखा रही थी, ये हमारी जोत में ना ये देखो दो फूल निकल गए हैं, ये भोले बाबा का, भोले बाबा का दिया जलता है ना उसमें, ये देखो यहाँ पे यहाँ शिवलिंग मतलब भोले बाबा का दिया जलता है उसमें दो फूल निकल गए। और ये देखो ये राधा कृष्ण का है ना, इसमें भी एक फूल आया था, कहते हैं फूल अच्छा होता है मतलब आना, तो ये दिखा रही थी मैं आपको। और माता रानी के में भी आया, पता है तीनों के में एक साथ आया, ये देखो माता रानी का भी, ये देखो दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये माता रानी के में भी आया, गुरु जी के में भी शायद आया था, मैंने दिखाया या नहीं। तो यहाँ मम्मी ने शंख बजाया था, शंख वैसे तीन बार बजाते हैं लेकिन मैंने कैप्चर एक ही बार कर पाई, मम्मी दो बार बजा चुकी थी पहले ही। और यहाँ पे मम्मी जा रही है मौसी जी के यहाँ, तो तैयार हो गए मतलब यहीं पास में जूते पहन लिए, तो बस यहीं पास में मौसी जी का घर, तो वहीं जा रही हैं, उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा है तो उधर जा रही हैं। तो यहाँ पे बस, और उन्नति ना पीछे पड़ रही थी, मेरे को कही थी चाओ चाओ मतलब चलो बोल रही थी वो। और देखो ये ना सुसु करके आई थी अभी, तो पजामा अभी नहीं पहना, आप देख सकते हो। आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल, मतलब सुबह से थोड़ी थोड़ी खांसी हो रही थी आदमी से, और फिर छींके भी आ रही थी, और छींके आते आते ना सर में दर्द भी बहुत हो गया, अभी हुआ सर में दर्द तो शुरू मेरे आधा घंटा हुआ बस मुझसे,
दिन में नहीं हो रहा था, लेकिन अभी शाम के टाइम सर में दर्द शुरू हो गया, छींक आ रही थी मुझे, हाँ, और ठंड सी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, मैंने कहा शायद ऐसी लग रही है, लेकिन ठंड लग रही थी। और अभी टाइम शाम के हो रहे हैं 7:05 बज रहे हो रहे हैं, और मैंने सुबह से वीडियो ही नहीं बनाया, ब्लॉग ही नहीं बनाया, जब से मम्मी गई ना तब से कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। और आवाज़ आ रही होगी कार्टून की, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक तो टीवी का रिमोट भी उन्नति ने ख़राब कर रखा है पटक पटक के, तो आवाज़ भी कम नहीं होती है उससे, बहुत मुश्किल से होती है। और अभी मम्मी गई है मौसी के यहाँ, अभी आई नहीं है, उधर टाइम लग गया उनको, इसलिए तो अब टाइम हो रहा है, मन का पूजा कर देती हूँ, आती उनका दीये वगैरह जला दूँ, शाम हो गई तो, और फिर देखते, फिर चाय बनाऊँगी, फिर एक गोली खाऊँगी। ठंड सी लग रही है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और आज मैंने कोई ब्लॉग भी, मतलब मेरा ब्लॉग भी नहीं गया आज, क्योंकि कल मैंने कोई भी वीडियो बनाया ही नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत बनाया वो मैं इसी वाले ब्लॉग में कल ज्वाइन कर दूँगी, तो इसलिए तो चलिए जाती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर चाय बना के चाय पीऊँगी। और ये दोपहर के बर्तन भी ना ऐसे ही रखे हुए हैं, धोए नहीं, सर में दर्द हो रहा है, इसलिए चलिए पूजा कर लेती हूँ, मम्मी आने वाली हैं अभी थोड़ी देर में। और उन्नति खेल रही है, तो उसे मैंने चूड़ी वगैरह बैंगल्स वगैरह पुराने वो दे दिया, और उसके देखो खिलौने हमेशा पड़े ही रहते हैं बेड पे, और कार्टून चल रहा है उसके। चलिए जाती हूँ पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में, और खाने के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी मम्मी आ जाए फिर देखती हूँ। चलिए पूजा कर लेती हूँ। और ये आज सुबह का है, मॉर्निंग का, तो यहाँ मैं ना यहाँ पे रात को बर्तन नहीं धोए थे, तबीयत ख़राब हो रही थी, अभी भी ना मेरे को चक्कर आ रहे थे, जब मैं उठ के आई थी ना तो चक्कर आ रहे थे, और पानी में हाथ डाल रही थी तो ठंड लग रही थी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते ना ऐसे हो रहा था, लेकिन बर्तन धोने थे, बर्तन पड़े हुए थे, तो रात के ज़्यादा नहीं थे क्योंकि खाना तो खाया नहीं था हमने, बस खाली ब्रेड और दूध वगैरह खाए थे, तो इसलिए तो यहाँ पर मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ, और अभी ये सो रहे हैं, चाय बनाऊँगी तभी ये पी के फिर अपने काम के लिए निकलेंगे। और मैंने खाना भी नहीं बनाया जिनका, ये बाहर से ही खाएंगे, क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ठीक नहीं है कि मैं कुछ करूँ, मतलब खाना भी बना पाऊँ। तो ये मैंने ना बर्थ के आलू बनाए थे आज ही का है ये भी, और ये आलू मैंने ना मूंगफली वाले ऑयल में बनाए थे, तो इसमें हम रिफाइंड ही नहीं खाते हैं इस आलू में, तो इस व्रत में। लो जी, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तबीयत अभी ठीक नहीं है, मतलब खांसी से ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं, और एक पर से बार बार ना चक्कर आ जाते हैं, तो उससे तो अभी मैंने दूध, चाय बन रही है मेरी, अभी आपने देखा चाय बन रही है, और थोड़े से आलू उबाले, दो आलू थे, दो आलू उबाल लिए, और वही थोड़े से फ्राई कर लिए, और अभी दोपहर के 1:00। वैसे मैं दोपहर में नमक खाती नहीं हूँ, मतलब आलू वगैरह नहीं खाती दोपहर में, पर अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खा रही हूँ। और हाँ, फ्रूट भी कुछ, ये भी सुबह सुबह दूध लेके जल्दी दे के चले गए, लेकिन ना फ्रूट लेके आए ना फूल माला लाए थे, जल्दी जल्दी इनको भी लेट हो रहा था तो ये चले गए, और ना कुछ फ्रूट, अगर केले वेले भी ले आते तो मैं अभी आलू नहीं खाती, लेकिन खाऊँगी इसलिए, क्योंकि कल भी कुछ नहीं खाया था, कल मैंने दोपहर में 2 रोटी खाई थी बस, और शाम को मैंने ब्रेड और दूध खाया था, वो भी ज़्यादा नहीं खाया था, आधा गिलास दूध था बस, और 2-3 ब्रेड बस, तो ब्रेड तो वैसे भी हल्के होते हैं, तो इसलिए मैं इनका खाऊँगी, चक्कर और ज़्यादा आ जाएंगे, वरना थोड़ा सा नमक खा लूँगी तो थोड़ा सा सही लगेगा, इसलिए तो चलिए जाती हूँ, और क्या कहते हैं, चाय वगैरह पी लेती हूँ, और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और अभी मम्मी आई नहीं है, अभी मैंने बात करी थी, वो कह रही थी 4 बजे करीब आएंगी, उनका ठीक है, वैसे मैंने काम वगैरह कर लिया, पूजा भी धीरे 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 कर ही ली, और अपना बाल भी खोल लूँ, आज मैंने सर इसलिए धोया, एक तो व्रत है इसलिए, और फिर पसीने में हो रहे, 2 दिन से बाल नहीं धोए ना, 2-3 दिन से तेल भी लगा हुआ था बालों में, इसलिए धो लिए, और फिर थोड़ा नहा के सही लग रहा है। चलिए चाय पी लेती हूँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय, राधे राधे, जय गुरु जी, जय माता दी।